सर, लखनऊ में फिर से एक बार गैंगरेप आई रोड में हुआ है, क्या प्रॉब्लम? ये कल रात की घटना है। मानपुर खेड़ा के आसपास एक लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती है, और उसके पड़ोस में रहने वाले ही उसके एक दोस्त ने जो जिसके बुलाने पे उसको लड़की को बुलाया, लड़की अपने विलिंग से उसके साथ गई। बाद में उस लड़के की नीयत बदल गई, उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस लड़की के साथ गलत काम किया, और उसके पास उसको अपनी गाड़ी से बैठा के उसके घर छोड़ा था। इसी भी लड़की गाड़ी से गिर गई, जिससे चोट आ गई, जिससे डर के इसके साथ ही भाग गए। जब भाग गए तो किसी रागी ने उन्हें ट्रामा सेंटर पहुंचा दिया। आज शाम को जब लड़की के घर वाले ने लड़कों को लेकर के आके अपनी पूरी बात थाने में बताई, तो उनकी तहरीर लेकर FIR पंजीकृत की गई। जो नामजद बाल उपचारी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की पूछताछ की जा रही है, जो भी नाम प्रकाश में आएगा उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संपूर्ण एक्शन लिया जाएगा, जिससे घटना को पूरी तरह से गंभीरता से लिया जाएगा। घटनाक्रम कैसे किया बताया? घटनाक्रम ही आपको बता रहे थे अभी। घटनाक्रम यह था कि लड़की और लड़के का दोस्त आसपास रहते थे। लड़की पहले से उससे संबंध थे, आती जाती थी। लड़की की माँ भी लड़के को पहले से जानती है। लड़की के बुलाने पे लड़का आया उस तरफ, और लड़की जब आ गई तो उसको घर में कुछ मारपीट झगड़ा चल रहा था लड़की से लड़की की माँ का, जिस पर वो लड़का गया और लड़की उसके साथ बैठ के कहीं चली गई। बाद में उस लड़के ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर के इसके साथ, जैसा कि लड़की अपने बयान में बता रही है कि उसने गलत काम किया, जहाँ पे उसको फिर वापस उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था, इसी बीच अपनी बाइक से लड़की गिर गई। जब गिर जाने पर उसे कुछ खरोचे और चोटें आई हैं, वो दिख भी रहा है। लड़की का कहना है कि उसे मारे भी हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। प्रथम दृष्टया लड़की ने जिस बाल अधिकारी का नाम बताया उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ जारी है, कौन उसके साथ साथी थे, कैसी घटना थी। ये सब लड़की चार लोगों का नाम कुल बता दें।